शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि तुम ही हो। इसकी शादी को देखकर ज्यादा ही खुश है, पर खुशी में कहीं ऐसे भी तरह ना करूं बेटा, कोई रंग में भंग ना पड़ जाए। मेरे पापा भानु प्रताप सिंह ने आपको फंसाने का प्लान बनाया। मैं ठीक नहीं हूँ, पर काव्या खुश है, उसकी शादी हो रही है, उसका सपना सच है। क्या हुआ काव्या, कोई परेशानी है? काव्या, क्या तुम आयुष को मिली? नहीं आंटी, मैं उसी को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे हाँ, वो मैंने ना आयुष को करण के साथ करण के कमरे में जाते हुए देखा था। मैं देख कर आती हूँ, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं आंटी, आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। आयुष्मान, आराम करो, लेट जाओ। सर, चलो लेट जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। सर, आराम करने के लिए तो सारी जिंदगी है, आज तो जागने की रात। सर, ये एक बात आपको दिल से कह रहा हूं, आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं सर। ये आपको काव्या मिल रही है, हम सब के प्यारे काव्य। अब बहुत खुशकिस्मत काव्य। भानु, और कितनी राह देखनी पड़ेगी? अम्मा, हम पर भरोसा कीजिए ना, कुछ मिनटों की तो बात है बस। सर, ये आयुष्मान सर का फोन वहां गिर गया था। ठीक है, जाओ। ठीक है। ये दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे? आयुष्मान, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना दिल टूटने की वजह से फूट फूट के रो, ये अपने दोस्त को उसके सपनों का राजकुमार मिलने पे उसके साथ खुशी मनाऊं। I love you, काव्या। तुम्हारी यादें मुझे बहुत दर्द देंगी काव्या। मैं सोऊंगा तो मुझे जगा देंगी, और मैं जागूंगा तो मुझे रुला देंगी। सर, तीर एकदम निशाने पे लगा है। शाबाश, तुझे इनाम जरूर मिलेगा। अम्मा, करण ने वीडियोस देख लिए, कुछ ही वक्त में बम फटने वाला है। मंजरी दीदी, काव्या कहाँ चली गई? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। काव्या आयुष्मान को ढूंढने गई हुई है, काफी देर हो गई उसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मिल जाएगा, यही होगा। नमस्ते आंटी। आंटी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वो आयुष्मान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कब से ढूंढ रही हूँ मैं उसे, काव्या भी उसे ढूंढने गई है। फिर तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर काव्या उसको ढूंढने गई है ना, तो वो उसको जरूर लेके आएगी। आप बस इंजॉय कीजिए। एक्सक्यूज मी,
Yes. आपने करण सर और आयुष्मान में से किसी को इधर आते हुए देखा? हाँ, मैंने उन्हें करण सर के रूम में जाते हुए देखा। Thank you. हमेशा मुझे एक ही डर लगता था कि कहीं मैं देर ना कर दूं, पर आज मेरा वही डर सच हो गया। बहुत देर कर दी मैंने काफी, मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं कि आपको काव्या मिल रही है। करण सर, वो एक मिनट आऊं। सर, वो आप और आयुष्मान? आयुष्मान मेरे साथ था। वो कहाँ है सर? मैंने उसे एक जरूरी काम से बाहर भेजा। अच्छा काव्या, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। पूछिए ना सर। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लेने जा रहा हूँ, मेरे साथ दोगी? आपका हर फैसला मानूं, हर पल साथ दूंगी, ये वादा है मेरी। हाँ। आखिर बात क्या है? करण सर मुझसे क्या मांगने वाले हैं? आयुष्मान कहीं मिला क्या? हाँ काव्या, मैं भी आयुष्मान को ही ढूंढ रही हूँ। आयुष्मान मेरे साथ है और मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है। अब तक की सारी रस्मों में आयुष्मान लड़की वालों की तरफ से था, अब मैं चाहता हूँ कि शादी में आयुष्मान हमारी तरफ से हो, लड़के वालों की। If you don't mind. Oh, तो ये बात थी जो करण सर मुझसे पूछना चाहते थे। जी जरूर, वैसे भी आयुष्मान आपको बहुत मानता है। तो ठीक है फिर, बारात कल सही टाइम पे पहुंच जाएगी और आप सबकी मुलाकात आयुष्मान के साथ शादी के बाद ही होगी। थैंक यू, चलते हैं बेटा। हे भगवान, आयुष्मान और करण सर की दोस्ती क्यों ही बनाए रखना। चाचू एक मिनट। चाचू, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी की जो शेरवानी बनाई आपने वो हूबहू एक और चाहिए, मिल जाएगी? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, जरूर हो जाएगा। थैंक यू। ये रहा तुम्हारी शादी का जोड़ा। दामाद जी ने तुम्हें नहीं देखा था ना ट्रायल के समय? अब देखना, कल जब वो तुम्हें देखेंगे इस जोड़े में तो उनके होश ही उड़ जाएंगे। माँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अरे 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 पार्वती जी, ये सब क्या है? अभी तक आपकी पैकिंग खत्म नहीं हुई। बस वही कर रहे हैं। अरे देखिए कितनी देर हो गई है। हमारी बच्ची को सोना भी तो है ना। पापा जी, आपके बिना पैकिंग कैसे हो सकती है? वैसे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी चीज ले जाऊं और कौन सी चीज छोड़ूं। अरे 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 पार्वती जी, क्या है ये पुराना है। नहीं नहीं हटाइए इसे, ये भी पुराना है। चलिए देखिए, हाँ सूटकेस में जाएगा तो ये जाएगा नया जोड़ा। ये
सब नया लेके जाएगी हमारी बच्ची उस घर में। पापा जी, ये नया पुराना क्या होता है? बेटा, नई शुरुआत है, नए रिश्ते जोड़ने जा रही हो, नए घर में जा रही हो, तो वहां सब कुछ नया नया होगा, तभी ना अच्छा लगेगा। पापा जी, ऐसा क्यों नहीं होता कि नए जिंदगी के महल के कोने में पुरानी यादों का एक छोटा सा घरौंदा मिल जाए रहने को? एक बार तुमने बोल दिया होता आयुष्मान कि तुम काव्या से इतना प्यार करते हो तो मैं शादी का इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। जो चाल चलनी थी वो चलती है। अब केन करण के पाले में, इसलिए आप खुलकर उससे बात क्यों नहीं करती? इसकी कोई जरूरत नहीं है। तीर निशाने पर लगा है। करण को सब पता चल गया है। अब करण की जिंदगी से और इस हवेली से इस काव्या का निकल जाना निश्चित है। जी अम्मा। पापा जी, याद है आपने ये लखनऊ से लाया था? ये तो मैं नहीं छोड़ने वाली। और ये झुमका, इसके लिए तो कितनी डांट पड़ी थी मुझे। तुम्हें याद है? ये सब मेरी याद है, मैं ये सब लेकर जाऊंगी। बेटा, कभी पिछले पैर को बिना उठाए आगे बढ़ने की कोशिश की? नहीं ना, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। बेटा बेटा, मायके से ससुराल तक का सफर ऐसा ही होता है। पुरानी चीजें छूट जाती हैं और नई चीजों को अपनाना पड़ता है। ना बेटा, ऐसे शादी से पहले रोते नहीं है। मुझे बोलकर खुद रो रही हो। अच्छा अच्छा, बहुत हुआ रोना धोना आप लोगों का। इधर आओ बेटा। बेटा, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे माँ बाप के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और मुझे मेरी परवरिश पर पूरा भरोसा है। अरे, बता दिया हमने करण की दादी माँ कि हम उस घर अपनी परछाई भेज रहे हैं। जितनी परीक्षा लेनी है वो ले ले हमारी बिटिया की। पर मुझे पूरा विश्वास है मेरी काव्या हर परीक्षा में अव्वल आएगी और मेरी पगड़ी कभी झुकने नहीं देगी, है ना गुड़िया? ये सब तो ठीक है, पर आपका लैपटॉप और हेडफोन्स छोड़ते हुए जाना। आजा, आजा। अरे, यहां कैसे आ गया?
रात मैंने शराब पी थी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? याद भी नहीं है, क्या टाइम हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। सर मैं यहाँ कैसे? सर कल संगीत के बाद तुम कुछ ज्यादा ही हैप्पी हाई ड्रंक मोड में आ गए थे, तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेके आया ताकि तुम्हें आराम मिल जाए। आर यू ऑलराइट? या सर, आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। इट्स ओके, मैं चलता हूँ सर। घर पे सब परेशान होंगे, सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। उन सबको पता है तुम यहाँ पर हो, और ये भी पता है कि आज तुम लड़की वालों की तरफ से नहीं बल्कि लड़के वालों की तरफ से। आयुष्मान, मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला सर? एक मिनट, यह है दूल्हे की शेरवानी। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो। और आज इसे मेरी जगह तुम पहनोगे आयुष्मान। काव्या से मेरी नहीं, तुम्हारी शादी होगी। क्या बात है, इतनी डर क्यों गई? हाँ? मैंने बहुत ही अजीब सा सपना देखा। पर क्या देखा सपने में? मेरे सपनों का राजकुमार घोड़े पे सवार होकर आए, ठीक वैसे ही पहले जैसे। सितारों से झिलमिल आसमान, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, झिलमिल तारे, यहाँ तक कि बैंड बाजी की भी आवाज आ रही थी मुझे। लेकिन अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया। लाइट जा सकती है पर आसमान से चांद तारे सब गायब हो गए, वो भी एक ही सेकंड में। शांत हो जाओ। देखो बेटा, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ऐसे नकारात्मक भावनाओं को अपने दिल से बाहर फेंको। आज तुम्हारी जिंदगी की एक नई पारी शुरू होने वाली है, एक ऐसी पारी जिसमें खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी, पति प्यार सब भरपूर मिलेगा। तो ऐसे जो गंदे सपने आ रहे हैं ना, ऐसे विचार सबको दूर भगाओ मन से। ये सपना शादी के पहले की घबराहट है, सभी को होती है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बेटा थोड़ा सा मुस्कुरा दो, आज तुम्हारी शादी है। चलो जल्दी। मैं तो बचपन से ही शादी के सपने संजोते आ रही हूँ, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। आज ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों? मां और पापा को और परेशान नहीं करना चाहती। अब आयु भी सीधा मंदिर पर ही मिलेगा। उफ, कि करण सर भी ना
आज ही आयु को अपने साथ रखना था। हाँ, मिल नहीं सकती पर फोन तो कर ही सकती हूँ ना। आयु फोन उठाओ। सर, काव्या का फोन। जब तक ये शादी ना हो जाए तुम काव्या का फोन रिसीव नहीं करो। आयु भी ना कभी टाइम पे फोन नहीं उठाता। अब मैं अपनी मन की बात किससे बताऊं? ऐसे नकारात्मक भावनाओं को अपने दिल से बाहर फेंको। आज तुम्हारी जिंदगी की एक नई पारी शुरू होने वाली है। वैसे पापा जी ने सही कहा था, मुझे अपने मन से सारे बुरे ख्याल निकाल देने चाहिए, क्योंकि आज से मेरा सपना सच होने जा रहा है। अब सपने देखने का नहीं, जीने का समय आ गया है। यार ये जिप ही नहीं लग रहा, क्या करूं? जूते कहाँ गए? सना, सना तुमने मेरे जूते देखे क्या? मुझे नहीं पता, मुझे खुद एक सेफ्टी पिन चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं? मुझे एक सेफ्टी पिन चाहिए। मेरे पास पिन नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे मेरे जूते ढूंढने। सेफ्टी पिन ड्रॉर में होगी, ड्रॉर में देखो आप। आंटी आपके पास सेफ्टी पिन है? एक मिनट, ये लो। थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत स्वीट हो। पार्वती दीदी आप अब तक रेडी नहीं हुई हो? हाँ, बस जूड़ा ही लगाना बाकी है। सोच रही हूँ गजरा भी लगा लूँ, अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। वो इनके लिए चाय बनाने जा रही थी, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में ही बंद है 15 मिनट से। चिंता मत कीजिए, आप भाई साहब के पास जाइए, मैं जल्दी से चाय बना के लेके आती हूँ। आंटी मुझे सेफ्टी पिन लगाना था। कहाँ लगाने, बताओ बताओ। ठीक है, थैंक यू। अरे काफी तैयार हुई कि नहीं? ओह नो काव्या, देखना पड़ेगा। जल्दी दे। ओके। अरे काव्या तुम तो अभी तक रेडी भी नहीं हो। वो तुम्हारे पापा जी ना कमरे में बंद हैं। कमरे में बंद? हाँ। सर ये क्या हो रहा है और क्यों? क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब भूल जाओ, पर जो हो रहा है अब सही हो रहा है। लो आ गए हमारे करण भैया। मुझे देखना है कि आप कितने खुश हो। मैं ये सहरा उठा सकती हूँ ना? काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।